मथुरा से बड़ी खबर है, जहां सीएनजी पेट्रोल पंप के गोदाम में आग लग गई है। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। वहीं आसमान में काले धुएं का जो गुब्बार है वो छाया हुआ है और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने का कर रही हैं प्रयास। तो कोसली कला थाना इलाके के कोटवन की ये पूरी घटना है, जहां अचानक सीएनजी पंप के गोदाम में आग लग जाती है। फिलहाल आग लगने के जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है। तो मथुरा में सीएनजी पंप के गोदाम में आग लगी है और आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दूर से ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से काले धुएं का जो गुब्बार है वो आसमानों में छाया हुआ है और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है मथुरा में। एक्चुअल में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम लोगों को जैसे सूचना मिली थी तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश यूपी फायर सर्विस भी चार गाड़ियां थी, एक हमारी गाड़ी थी। और मैटर इतना बड़ा हो जाता है एक्चुअली, वो तो कवर कर लिया और टाइम से हम लोग पहुंच गए, क्योंकि उसके जस्ट बाजू में कुछ सिलेंडर्स रखे हुए हैं सीएनजी के, आप अगर देख पा रहे हो तो आपके पीछे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में कुछ स्टॉक अपना पाइप्स का था, इनका रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल इतना हैवी क्वांटिटी में था कि मेजर फायर की संभावना थी। आपकी सूचना प्राप्त हुई एफएस कोसी कला पर, समय रहा है 9:32, इसमें सूचना ये प्राप्त हुई सीएनजी पेट्रोल पंप पर आग लगी हुई। तत्काल एफएस यूनिट घटना स्थिति रुक किया, वहां पर देखा कि काफी भयंकर तरीके से सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे रॉ मटेरियल में आग लगी हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, किस वक्त ये आग लगी, क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पा लिए हैं, क्या अपडेट है पूरा? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये सीएनजी का पेट्रोल पंप है जो थाना कोसी कला के कोटवन की घटना है ये जो, और इसमें सीएनजी के पेट्रोल पंप के बराबर जो गोदाम है उसमें भीषण आग लग गई है और आग से बहुत जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि धुएं की लपटें आसमान को छू रही थी, आसमान में छाए काले गुब्बारे की तरीके से एकदम अंबार लग गया। आग लगने का कारण लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो टेम्परेचर जो एकदम लगातार बढ़ा हुआ चल रहा है, इसकी ये भी एक कारण हो सकता है, या कोई एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट का भी कारण हो सकता है। और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए आ गई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग जो लगी थी वो उसको लगे हुए अभी 3 घंटे के करीब हो चुके हैं और 3 घंटे के बाद भी आग अभी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। जी विवेक, और इस आग में कितना नुकसान हुआ है, किस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सीएनजी के पेट्रोल पंप के गोदाम में आग लगी है और गोदाम के आसपास कुछ बना हुआ नहीं था, नहीं तो बहुत भारी नुकसान और तबाही होने की संभावना इसमें थी, क्योंकि ये गोदाम एक अलग बना हुआ था और इसमें तमाम जो सिलेंडर और वो रखे हुए थे सारे बुरी तरीके से फट गए हैं और पूरे गोदाम जो है बुरी तरीके से जल गया है, क्योंकि गोदाम भी एक अलग तरीके का बना हुआ था, उसमें भी शायद लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। जी विवेक। ठीक मोहम्मद फारूक, नजर आप बनाए रखिए अपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।